आगे मैं आता हूं सेजिटेरियस जी, सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस के अपने घर में मरीख आ गया है, पिछले 4-5 हफ्ते उनकी सेहत पर असर था, दबाव था, और जो बदखाल लोग हैं वो अपनी तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे, वो प्लैनेट आपके छोड़ गए। आज से आपके अपने खाने में मरीख आ गए, मरीख के आने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा, मरीख के आने से आपकी सेहत पहले के बनस्बत बेहतर हो जाएगी, मरीख के आने से अब जो बदखा आपके ख़िलाफ़ काम करते रहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकेंगे, तो आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है, खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, और आप ज़िंदगी को नहायत ही जोश व खरोश से गुथमगथा हो सकते हैं, और इस सिलसिले में आप अपना मामला प्रोफेशन जॉब वो मामला ठीक है सारे? हाँ, प्रोफेशन में पहले बदखा जो है वो नुकसान पहुंचा रहे थे उनके प्रोफेशन में, अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और प्रोफेशनली इनकी लाइफ जो है अब बेहतर हो जाएगी। सेहत ठीक नहीं थी, क्योंकि आप बता रहे थे सेहत के हवाले से पिछले कई हफ्तों से आपने बताया कि ये बिल्कुल असर था, लेकिन आज से उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप महसूस करेंगे खुद एतमादी, तवानाई में इजाफा हो जाएगा, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, जब खुश एतमादी हो तो तवानाई में इजाफा हो जाए, आदमी कदम उठाता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो आपके बुरे प्लैनेट कौन से हजरात निकल गए हैं, आपके जो जात जो पसे पर्दा बदखाओं ने जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। और आप उनसे अगर बच गए हैं तो आगे अब आपकी लाइफ में जो तेजी आ रही है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आपकी सेहत पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। रोमांस में जरा जल्दबाजी से काम ना लें, और आप रोमांस में इतनी दिलचस्पी अगर लेनी है तो उसमें जल्दबाजी आपके खिलाफ काम करेगी, जल्दबाजी ना करें रोमांस में, बड़े ठंडे मिजाज से आहिस्ता आहिस्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।